नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह का वक्त है और बड़ी ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। हमारे यहाँ पर बादल हो रहे हैं, बरसात जैसा मौसम हो रहा है। तो अब मैं ये जो सर्दियों की वेजिटेबल आप देख रहे हैं ये ग्रो करने जा रही हूँ। तरह तरह के मूली है इसमें, जिसे हम रेडिश कहते हैं, और कैरेट भी है, गाजर। तो आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए, ये शेडेड वाली मूली है हमारी, और ये वाइट वाली है, और ये जो है एकदम रेड, जो है प्रॉपर रेड कलर, वो गाजर है। और ये देखिए, ये रेड मूली है हमारी, और ये जो है ये राउंड वाला है। तो आज हम इसे ग्रो कर रहे हैं। और ये जो मेरे ग्रो बैग है ये कल ही मैंने रेडी करे हैं, रिच सॉइल से आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर होल सिस्टम भी दिया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक प्रॉपर होल सिस्टम दिया हुआ है ड्रेनेज के लिए, तो पानी हमारा रुकता नहीं है। तो इसमें आज मैं मूली और गाजर ग्रो करने जा रही हूँ। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों, पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मूली के जो बीज हम अभी बोएंगे, ये 60 दिन में तैयार हो जाती है। तो प्रॉपर अच्छी बड़ी अगर आप मूली चाहते हैं तो आप इसे 60 दिन में ही निकालिए, इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये हमारे लीवर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, और पीलिया रोगी जो रहते हैं उन्हें भी अधिकतर ये मूली खिलाई जाती है। जॉइंटिस वालों को इसका रस भी पिलाते हैं, जो फ़ायदा करता है। और दोस्तों, इसके पत्तों की सब्जी वह तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और मैं बनाती हूँ अपने घर की सब्जियों को। तो आइए मैं देख आपको बताती हूँ कि हम इसे कैसे ग्रो करें। सबसे पहले दोस्तों, इसमें आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टिक की सहायता से होल कर दीजिए। इसमें अगर आप बीज डालेंगे, मतलब एक एक इंच के करीब होल कीजिए, ज़्यादा गहरे नहीं कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरे करेंगे तो वह अंदर की साइड में दब जाएंगे। आप चाहे तो इसके बेबी प्लांट भी रेडी करके बाद में इसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे अधिकतर डायरेक्ट ही लगाती हूँ। तो ऐसे प्रॉपर आप इसमें होल कर दीजिए। ये देखिए, मैं अच्छे से होल कर रही हूँ इसमें प्रॉपर, और ये देखिए, इसे प्रॉपर होल करना बहुत ज़रूरी है। होल से क्या होता है कि आप एक एक में भी अगर आप एक एक बीज डालेंगे तो आपकी मूली काफ़ी बड़ी साइज़ की होगी और काफ़ी अच्छे से होगी। तो ये देखिए, हमने इसमें होल कर दिया है। अब सेकंड वाले में भी हम होल करेंगे। ये वाइट वाली मूली है हमारी, तो इसे अब हम देखिए, इसके जो सीड्स हैं ये मेरे हाथ में दिख रहे हैं आपको, ये पूरे उपचारित बीज है। और जब भी आप बीज लीजिए, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी आप बीज लें, अच्छी शॉप से लें, ऑनलाइन भी बुलाएँ, तो एक्सपायरी डेट देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सपायरी डेट देखते नहीं है तो वह सक्सेस नहीं होता और ग्रो नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप देख लीजिए। और ये देखिए, अब हम इसमें एक एक में दो दो डालेंगे, ताकि ये जो है, एक अगर हमारा सीड्स जो है, ये देखिए ऐसे हम डाल देंगे तो वह अच्छे से ग्रो हो जाए। जो हमने होल करे हैं दोस्तों, उसमें हम बीज डाल देंगे प्रॉपर। तो ये हमारा जो हो गया है, इसके ऊपर फिर हम सॉइल हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे, बिल्कुल प्लेन समतल कर देंगे। और आज मैं पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि कल हमारे यहाँ पानी गिरा था, तो मेरी सॉइल जो है बहुत गीली है। लेकिन जब आप सीड्स ग्रो करें तो इसमें पानी ज़रूर डालिए, और स्प्रे बॉटल से डालिए, ताकि वह सीड्स जो है अपनी जगह से नहीं हिले। ये सेकंड हमारी जो रेडिश है, इसे हम ग्रो करेंगे।
ये देखिए प्रॉपर होल किए हुए हैं ये सीड से, इसे हम इसमें दो 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 करके डाल देंगे होल में। थोड़े बारीक रहते हैं तो ये बिखर भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। जब ज़्यादा घने हो जाए तो आप इसे अलग कर दीजिए। अब जैसे यहाँ ज़्यादा गिर गए हैं तो मैं इसे उठाकर ये होल में डाल दूंगी। और ये जो है हमारे अंदर चले जाएंगे होल के अंदर, और फिर इसे हम सरफेस को प्लेन कर देंगे जैसे कि पहले भी मैंने बताया। और वाटरिंग अभी मैं नहीं करूँगी, आप स्प्रे बॉटल से कीजिए। इस तरह से हम जो है ये मूली के बीज जो है हमारे ग्रो हो गए। अब हम गाजर उगाएंगे।